आज हमने फिश फ्राई की है ढाबा स्टाइल, बहुत ही आसान तरीके से, साथ में हरी चटनी भी है, लेकिन इसकी रेसिपी जो है वो चैनल पे मौजूद है। तो फिश किस तरह बनाई है, क्या चीज़ इस्तेमाल की है, बहुत आसान तरकीब है। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएँ ताकि मेरा चैनल जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और इसके अलावा वॉच टाइम पूरा हो जाए मेरा तो वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए मछली सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं कर रही हूँ मछली फ्राई, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी कि किस तरह आप अच्छी तरह मछली की स्मेल भी ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह आप एक अच्छा जायका मछली का जो है वो फ्राई करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मछली ली है, और जिसको मैंने कैसे धोया है वो वीडियो जो है वो मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर सकी, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने नमक और सिरका जो है वो पानी में घोलकर और मैंने मछली को अच्छी तरह लगाकर उसमें मल के उसको धो लिया और फिर ड्राई कर लिया है। ये 1 किलो मछली है जिसकी स्मेल ख़त्म हो चुकी है नमक और सिरके के पानी के साथ। ठीक है, अब हम इसको करते हैं साइड पे, और मैं आपको बताती हूँ कि अब मैंने क्या करना है, मसाले भी साथ साथ बताऊँगी। एक बड़ा बर्तन लिया है खुला, इसमें मैंने 4 अदद लीमों का रस निकाला है, वो मैं शामिल करती हूँ, और यहाँ पर सिरका भी डालेंगे हम। सिरका भी तकरीबन 4 खाने की चम्मच जो है वो मैं सिरका डालूँगी, और 2 खाने की चम्मच जो है वो मेरे पास है बेसन, जिससे हमारा मसाला जो है वो मछली के ऊपर अच्छा सा चिपक जाएगा। अच्छा जी, मसाले जो हमने डालने हैं वो है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो है, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च, वो मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है अजवाइन, 1 चाय का चम्मच अजवाइन है, अजवाइन धनिया और ज़ीरे के बगैर मछली फ्राई नहीं हो सकती अच्छी। ठीक है, 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन लेकर उसको मैंने पीस लिया है, और ये है धनिया पाउडर, ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच है, धनिया पाउडर भी मैंने भून कर पीस लिया है। ज़ीरा है, यह है सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी मैंने भून कर पीस लिया है, ये 1 चाय का चम्मच है। 1/2 चाय का चम्मच है काला ज़ीरा, इसका भी मैंने पाउडर बना लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। दड़ा मिर्च ली है मैंने 1/2 चाय के चम्मच, दड़ा मिर्च बहुत अच्छी लगती है मछली फ्राई में। और यहाँ पर है मेरे पास गरम मसाला मिक्स, और ये जो है वो भी 1 चाय का चम्मच है। तो हम तमाम चीज़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें शामिल कर देते हैं, और इसको अच्छा सा हाथ की मदद से एक लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा सिरका मज़ीद शामिल करेंगे। अच्छा जी, देखिए इस तरह का एक लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है, जो कि ना बहुत पतला है ना बहुत गाढ़ा है। इसमें मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने पानी भी मिलाया है, और थोड़ा सा सिरका मज़ीद शामिल किया था। तो ये हमारा बैटर जो है वो अच्छा सा तैयार हो गया है। अब हम अपनी फ़िश लेते हैं और उसको एक एक करके इस तरीके से हाथ से अच्छी तरह हर जगह जो है इसको मसाले में जो है वो डिप करेंगे, मिक्स करेंगे, इसको मसाला अच्छी तरह इसके ऊपर जो है ना हम फोल्ड करेंगे, लगा देंगे। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। तो ये देखें, हर जगह लगाना है, मछली का कोई भी पार्ट जो है ना वो ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये देखें, लगा के उसको साइड पे करते रहें, और मछली के हर हिस्से को जो है ना आपने इस तरह मसाले में जो है वो अच्छा सा डिप करना है। अच्छा, बेसन की वजह से जो है ना मसाला जो है अच्छा सा जो है वो मिक्स चिपक जाएगा, वरना अगर बेसन ना लगाएं तो फिर आप एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी पहली रेसिपी में भी बताया हुआ है। इसी तरह तमाम बोटियां जो है वो हम मिक्स करेंगे। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अच्छा सा मसाला जो है वो लग चुका है हमारी मछली के साथ। ये देखें, हर जगह से जो है ना हमने लगा दिया है हाथों की मदद से। बिल्कुल आप डरे नहीं कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, हाथ गंदे किए बगैर आप अच्छा मसाला जो है मछली को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब हम इसको रखने जा रहे हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखे बगैर अच्छी फ्राई नहीं हो सकती मछली। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि हमने जो इसमें सिरका और लीमू शामिल किया है उसकी वजह से मछली जो है, मछली के अंदर जो मछली के अज्जा हैं, जो इसका जो मॉइस्चर है वो बाहर आएगा। ठीक है, ये मछली जो है हमारी पानी छोड़ देगी जब हम इसको 6 से 8 घंटे हम इसे छोड़ेंगे, तो हम जब इसको उठाएंगे फ्रिज में से तो इसके ऊपर बहुत सारा पानी आ चुका होगा। ठीक है, तो वो जो है वो नींबू और सिरके की वजह से ऐसा होता है कि वो अंदर से जो है मछली जो है वो अपना मॉइस्चर बाहर छोड़ देती है, वो बाहर निकालते हैं। तो इसके बगैर जो है ना, अगर वो पानी अंदर रहे तो हमारी मछली अच्छी फ्राई नहीं होगी, क्रिस्पी नहीं होगी। ठीक है,
तो इस तरह करना ज़रूरी है, और इससे टेस्ट भी जो है इन्हेंस होता है खटाई की वजह से मछली का। तो चलिए मिलते हैं 6 से 8 घंटे बाद। अच्छा जी, तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। 5 घंटे इसलिए, 6 से 8 घंटे में निकाला था तो मैंने 5 घंटे बाद ही निकाल ली, वो इसलिए कि मुझे अभी फ्राई करना है। तो आप देखें, पानी देखें इसका, ये देखें कितना पानी इसका जो है वो निकल गया है, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाही में रखा है घी गर्म होने के लिए। इसको फुल गर्म करेंगे और उसके बाद जो है ना हीट को हम मीडियम से काफ़ी नीचे कर देंगे, यानी लो से थोड़ा ऊपर करेंगे, मीडियम और लो के दरमियान में हीट रखेंगे और घी हम गर्म करेंगे। और घी जब गर्म हो जाएगा तो हम इसको डालना शुरू करेंगे। और अबू बकर भी हैं देखें साथ, साइकिल पे हस्बैंड हैं हमारे साथ। और जब हम इसमें फ्राई करने लगेंगे ना तो मसाला जो है बोटियों के साथ अच्छा सा लगा कर ऐसे ऐसे मिक्स करके दोबारा से, और फिर हम इसको डालेंगे। तो अभी घी हमारा गरम हो रहा है, घी अच्छा सा गरम हो गया है, और यहाँ से ना मैंने पानी जो है वो इसका निचोड़ दिया है, और मसाले को ऐसे अच्छे से लगा कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें मसाला जो है वो हमने अच्छा सा लगाना है इसके साथ ना, जो नीचे मसाला है उसको हमने अच्छा सा लगाना है। और ज़्यादा बोटियाँ मत डालें, बोटियाँ कम डालें, जितनी कढ़ाई में गुंजाइश है बस उतनी बोटियाँ डालें। तो मैं सिर्फ 3 बोटियाँ इसमें डाल रही हूँ। 5 मिनट हम इसको इस तरह देंगे, 5 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे। फ्राई हो रही है, हमने अभी तक इसको छेड़ा नहीं है, और ना हम घी को इस तरह ऊपर भी डालते रहेंगे ताकि इस साइड से भी जो है ना ये थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब हम इसे पलटें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इस तरह डालेंगे। अभी हमने इसे छेड़ा नहीं है बिल्कुल भी, और मछली को ज़्यादा चम्मच भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो लोगों को प्रॉब्लम होती है, शिकायत आती है कि जी मछली हमारी टूट जाती है, तो वो ज़्यादा चम्मच चलाने से जो है मछली टूटती है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो बहुत एहतियात के साथ हम फिश को जो है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आराम से पलटी गई है, तो हम पलट देते हैं। ये देखें नीचे से उठाएँ, और ये देखें इस तरीके से पलट दिया, और इसको भी हम यहाँ पर 5 मिनट देंगे। 5 मिनट के बाद जो है हम इसको छेड़ेंगे दोबारा। 5 मिनट हो गए हैं, और हम देखें इस साइड से भी हम इसको दोबारा से पलटते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी फिश जो है वो तैयार है। थोड़ा सा और टाइम दे देंगे ताकि थोड़ी क्रिस्पी हो जाए, और फिर इसको निकाल लेंगे। अंदर तक गल चुकी है इंशाल्लाह, और क्योंकि हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम से लो से मीडियम रखा हुआ है, तो इसलिए ये अंदर से मुकम्मल तौर पे पक चुकी है। ठीक है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हम निकाल देंगे इस तरह छोड़ के, क्योंकि ज़्यादा ऑयली फिश जो है वो अच्छी नहीं लगती, इसके सारे बेनिफिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फिश जो है वो तैयार हुई है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं पीस। तैयार है, अब इसी तरह हम बाकी के जो है उसको साइड पे करते हैं, और बाकी के जो पीस हैं वो हम अच्छा सा मसाला मैंने पहले से लगाया हुआ है, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ठीक है, मैंने इसको साइड पे रखा हुआ था। इसी तरह 3 बोटियां हम मज़ीद डाल देते हैं इसमें, ये देखें इसी तरह फ्राई करेंगे 5 मिनट एक साइड से, 5 मिनट दूसरी साइड से। तो इंशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़िश तैयार होती है। तो सारी बोटियां तलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़िश जो है माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी किस्म की हो गई है फ्राई, बहुत मज़ेदार लग रही है, और साथ में हमने हरी चटनी बनाई है दही डाल के। तो इसकी रेसिपी जो है ना वो चैनल पे मौजूद है, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी फ़िश फ्राई की, जो कि ढाबा स्टाइल है? तो लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि हर वीडियो का मुझे मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए जल्दी से। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा,